नमस्कार एग्जाम बुक चैनल में दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर चलूंगा। इसको मोटिवेशन समझ लेना या फिर इसको अपने लाइफ का एक पार्ट समझ लेना। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये एक मैंने गंगा जल का जो है एक सीन जो है, अगर किसी ने गंगा जल नहीं देखी है तो वो जरूर देखे। बहुत ही अपने आप में शानदार बुक है। एक जो है बॉलीवुड में, जो बॉलीवुड का जो कुछ चंद फिल्मों में इसका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो इसमें दरोगा मंगनी राम जो होते हैं, वो जब मतलब इस तरीके से होते हैं, वो महा करप्ट पूरा पूरा सीन होता है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, ठीक है, क्योंकि 9,500 दरोगा जो हैं वो सीधे के सीधे सिस्टम को मिलने वाले हैं, ठीक है। और आजकल की पीढ़ी जो है, आजकल की पीढ़ी पहली पीढ़ी से ज्यादा समझदार है, ज्यादा तेज है, दिमाग उसके पास ज्यादा अच्छा शार्प है। तो मैं कुछ आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप अगर लाइफ में अगर उसको संभाल पाए, या फिर लाइफ में अगर कुछ भी मेरी 1% बात भी आपके अगर दिमाग में रही तो आप जो है कभी मात नहीं खाओगे, ठीक है। और आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है वो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अभी हाल ही में जो है एक खबर आई थी। कौन सी खबर थी वो? ये जो बंदा है, ये जब मैंने ये चीज पढ़ी तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा मुझे खराब लगा। ये जो बंदा है, इनका नाम है विष्णु आपका जो है तिवारी, ठीक। ये ललितपुर के रहने वाले हैं। जब इनकी उम्र 18 साल थी, तब इन पर रेप प्लस SC/ST, जिसको कि हरिजन एक्ट बोलते हैं, ये इन पर लगाया गया था। और 20 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि आप निर्दोष थे, आपने कोई जुर्म नहीं किया था। अब यहां पर पॉइंट आती है, आप लोग कहेंगे सर ये हमारी बात, हमें क्यों बता रहे हैं आप बात, ये तो जुडिशरी से संबंधित है। नहीं दोस्तों, देखिए हमेशा लाइफ में याद कर लेना कि आप दरोगा बन रहे हो तो दरोगा का मतलब पावरफुल नौकरी है, पावरफुल पावर रहती है इसके पास, ठीक। मैंने आपसे क्या बताया, कितना भी वो जलालत झेलता हो लेकिन समाज में किसी भी प्रकार का आदमी हो, चाहे एक छोटे से छोटा कर्मचारी हो, छोटे से छोटा मजदूर हो, या फिर बहुत बड़े से बड़ा मंत्री हो, अगर वो दरोगा है आदमी, अगर वो सिस्टम का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं क्यों, क्योंकि कलम की पावर दरोगा के पास ही होती है। एसपी साहब लिख देंगे तो कोर्ट 1 सेकंड के अंदर नकार देगा, क्योंकि एसपी के पास पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन की पावर सब इंस्पेक्टर को है, ठीक है। तो सोचिए, यदि 20 साल पहले वो जो दरोगा जिसको जांच मिली थी, अगर वो जांच सही से कर देता तो इस आदमी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। अपने लाइफ के गोल्डन टाइम, मतलब 20 साल, सोचो 18 साल की उम्र और 20 साल बाद, अब 38 साल उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। माँ बाप भाई बहन सब जो है धीरे धीरे करके खत्म हो गए, सारी जमीन बिक गई, क्या रह गया इसके पास? दो शब्द होते हैं दोस्तों, दो शब्द होते हैं जब जब हम कुछ पढ़ते हैं, एक होती है एम्पैथी, इंग्लिश में एक वर्ड है एम्पैथी, और एक होता है सिंपैथी। क्या अंतर है इन दोनों वर्ड का? इन दोनों वर्ड में अंतर यह है कि सिंपैथी जो होती है वो किसी आदमी के साथ कुछ घटना घटी है तो हम जो है सिर्फ उसको सांत्वना दे रहे होते हैं, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना ऊपरी मन से सांत्वना देना, वैसे ही हम उसको सांत्वना दे रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हाँ ये पीड़ित पीड़ित है, इसको दिक्कत हुई है, बट हम उसकी स्थिति नहीं समझ रहे होते हैं। एम्पैथी का क्या मतलब होता है? एम्पैथी का मतलब होता है हम उसकी परिस्थिति को अपने ऊपर लेकर देख रहे हैं कि यदि इसकी जगह मैं होता तो मेरे को कैसा फील होता। तो दोस्तों एम्पैथी का होना इंसान की लाइफ में बहुत जरूरी है, और आप दरोगा बनने वाले हैं, आपकी लाइफ में सिंपैथी की जगह आप लोगों की लाइफ में एम्पैथी होनी जरूरी है। कुछ भी अगर कोई पीड़ित है तो उसको ये सोचो कि इसकी जगह अगर मेरा होता, मेरा परिवार के लोग होते, मैं होता, तो मेरे साथ क्या बीतरी होती। लाइफ में कभी भी घमंड में आप चूर मत होना, ठीक। बहुत ही आप ये समझ लो, आप करप्ट कर लोगे, आप जो है पैसा कमा लोगे, आप किसी के साथ गलत कर दोगे, क्या होगा? एक समय के बाद आप रिटायर होगे, रिटायरमेंट होने के बाद जब आपको बुढ़ापा आएगा तब आप वही बातें याद करोगे कि यार मैंने उस लाइफ उस बंदे की मैंने लाइफ खराब करी थी, मेरे हाथ में था, मैं उसको निकाल सकता था, मैं उसको ये कह सकता था कि हाँ आप दोषी नहीं है, आपको जो गलत फंसाया जा रहा है, ठीक। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? अरे अफसर कोई बोलेगा कि हाँ तुम ऐसा करो वैसा करो, साफ क्लियर बोल दो, करना है ट्रांसफर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइन हाजिर, ठीक है बस। लेकिन मैं अपने उसूलों से, जो मैंने उसूल बना लिए हैं, मैं किसी का अहित नहीं करूंगा, मैं किसी का गलत नहीं करूंगा, ये प्रण लेके ही इस नौकरी में जाना। बहुत सारे लोग कहेंगे सर पेपर तो होने दो, बन तो जान दो। नहीं, ये सारी चीजें आपको अभी से ही डेवलप करनी पड़ेंगी, आप बन तो रहे ही हो, ठीक है।
आप बन तो रही हो, जिस तरीके से कुछ लड़के जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, मुझे फोन करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर इस तरीके से, ये मुझे बड़ा लगता है कि हाँ चलो ऐसे लड़के जब सिस्टम में जाएंगे तो काफी ज्यादा सिस्टम को फायदा होगा। आने वाली जो पीढ़ी है, आप लोग हैं, 9,500 दरोगा बहुत बड़ी चीज होती है किसी स्टेट के लिए, ठीक है। जब ये वैकेंसी बहाल हो जाएगी, पूरी की पूरी जो है हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो हर गली मोहल्ले शहर जिले से जो है दरोगा ही दरोगा निकलेगा, ठीक है। हाँ भाई, सुल्तानपुर से कितने लड़के निकले, बरेली से कितने लड़के निकले, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो कम से कम आपका 300 लड़के या 250 से 300 के बीच में लड़के हर जिले से, अगर आप ऑन एन एवरेज, अगर आप 9,500 को अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 75 जिलों से, ठीक, तो लगभग आपको वही 250 से 300 के बीच का स्कोर मिलेगा हर जिले से। जरूरी नहीं है कि एक किसी जिले में 250 हो जाए, किसी जिले में हो सकता है 10 ही हो, किसी जिले में हो सकता है कि 200 की हो, 500 हो। मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, पूरी जान लगा देना। लाइफ में दरोगा बन रहे हो, लेकिन लाइफ में कभी भी किसी का गलत मत करना, ठीक है, क्योंकि उस चीज का जिस क्षण आप गलत कर रहे होंगे उसका आपको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है, यदि आप किसी के साथ अच्छा करें या बुरा करें, आपको वो चीज झेलनी ही पड़ेगी आगे, ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जब हम सिस्टम में पहुंच जाते हैं, सिस्टम में ढल जाते हैं, तो पैसा, करप्शन, सब कुछ चीजें जो होती हैं, ठीक है, कुछ लोग वो भी होते हैं जो अपनी किसी भी प्रकार से अपनी जो है जिनकी मतलब एक लिमिट से नीचे निकल गिरना चाहिए कभी कभी, तो जो है ऐसी स्थिति में निकलना चाहिए आपको कि हाँ आप जो है ये भी कह रहे हैं कि जाओ बर्तन बेच के आओ लेकिन मेरे को पैसे दो आगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन इसी पुलिस के कुछ ऐसे फेस हैं जिन्होंने जो है आप देखो कि एक इन्वेस्टिगेशन जो करी थी, ठीक है, जो आपका अमरोहा वाला जो कांड था, शबनम वाला, उस केस में भी एक दरोगा ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करी थी, और उस दरोगा की इन्वेस्टिगेशन के बाद बकायदा जब जब हाईकोर्ट का जज जो थे वो लिख रहे थे डिसीजन, तब उन्होंने लास्ट में ये लिखी है कि मेरे 30 साल के करियर में मैंने इससे अच्छी इन्वेस्टिगेशन मैंने देखी ही नहीं है, ठीक है। आप ये सोच के इन्वेस्टिगेशन करना कि आपके इन्वेस्टिगेशन से किसी की जिंदगी बन भी सकती है और किसी की जिंदगी बिगड़ भी सकती है, इस तरीके से सोचना। और ये वीडियो हमेशा के लिए हो जाएगी, जब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई सोचो आप किसी डिसीजन के लिए, तो ये वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि किसी की लाइफ खराब हो जाए, सोचो 20 साल उसके खराब हो गए, 20 साल, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो दरोगा की इन्वेस्टिगेशन सही से ना करने के चक्कर में 15 15 साल, 18 18 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं। क्यों? उनके परिवार से सारी जमीन बिक जाती है, कुछ नहीं है, ठीक, किसी की आदमी की, अब इस आदमी की जो जो हाय है वो निकली होगी, ठीक है, और वो दरोगा कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि यार मैंने बहुत गलत किया, ये चीज मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इस गिलानी से आप जो है अपने अंतिम अंतिम पल जियो, वो ज्यादा खराब है। अपने सुकून से जियो, डंके की चोट पे कह सको कि मैंने आज तक किसी भी आदमी का अहित नहीं किया है इतनी साल की सर्विस में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना दरोगा, जो खुल के बोलते हैं मैं किसी से ना लेता हूं ना देता हूं पैसा, ठीक है, और ना ही मैं किसी से दबता हूं, जो सही है वो सही है, ठीक। तो दोस्तों बस मुझे ये कहना था, तैयारी अपनी पूरी जान से लगा दीजिए, 9,500 वो क्रीम होगी, ठीक है, जो छट के आएगी, बिल्कुल बिल्कुल क्रीम लड़का एकदम, जिसका दिमाग जिसका शरीर दोनों के दोनों जो है एक साथ हरकत करता है, ठीक है, एक साथ वो उसको मोटिवेट करता है, एक साथ जो है वो उसको चला सकता है। आप में से बहुत सारे लोग एटीएस एसटीएफ बहुत जगह जाओगे, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, गलत किसी के साथ करने से पहले सोच लेना कि यदि आपके साथ कोई कर रहा होता तब आपको कैसा फील होता। धन्यवाद दोस्तों।